हरियाणा में अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी दल भाजपा के द्वारा कृषि कानून के समर्थन में रैली निकाली गई। इस दौरान ट्रैक्टर रैली में कल एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। नारायणगढ़ के डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि मृतक के बेटे की शिकायत पर उसके पिता की मौत के मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसने आरोप लगाए हैं कि कृषि बिल का विरोध करने वाले कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी की अगुवाई में निकाली गई यह ट्रैक्टर रैली, जिसमें एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। मृतक भरत सिंह के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धारा 302, 341, 148, 149 और 120 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसानों के रूप में आए कांग्रेसियों और चुड़ूनी समर्थकों ने ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ की और किसान के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से किसान की मृत्यु हो गई। फिलहाल मृतक के परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के जिला प्रधान ने बताया कि कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी और रास्ते में कुछ चढ़ूनी ग्रुप कांग्रेस ग्रुप के गुंडों ने रास्ते में रोककर उन्होंने पथराव और डंडे मारने शुरू कर दिए और मृतक के ट्रैक्टर पर भी कई लोग चढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि भाजपा की ट्रैक्टर रैली कृषि कानून के समर्थन में अंबाला से निकाली जा रही थी। भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि यह रैली नए कानून के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की गई थी। इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी कर रहे थे। इस रैली में एक किसान की जान चले जाने की खबर आई है, जिसके संदर्भ में पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया कि कृषि बिल विरोधी कुछ प्रदर्शनकारी उनके पिता की हत्या में शामिल है। एक जो हमारे पास इंटीमेशन आया था कि 72 वर्षीय भरत सिंह राणा बड़ागढ़ का है कि उनकी डेथ हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। हमारी पुलिस पार्टी वहाँ पे जो उनके बयान लेने गई तो उनके बेटे ने जो बयान दिया है तो उसमें उन्होंने कुछ 10 लोग बाई नेम भी किए हैं और 15 लोग अन्य भी हैं। उनका यही आरोप लगाया उन्होंने कि भाई इन लोगों ने, जैसे हम ट्रैक्टर ट्राली से रैली निकाल रहे थे और ये भी किसान है मरने वाला 72 ईयर्स भरत सिंह राणा, तो इनके धक्का मुक्की से करने से उनकी मृत्यु हुई। तो इनकी स्टेटमेंट के, बेटे की स्टेटमेंट के ऊपर हमने धारा 302, 148, 149 और 120 भी इन सेक्शन में हमने मामला दर्ज किया है। उनका पोस्टमार्टम कल होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.